एस्पिरेंट्स, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम कॉन्फिडेंटली कैसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब तक हमने जो भी टास्क देखे थे, चाहे वो जीटी हो रहा था या चाहे वो हमारा साइक था या चाहे वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड था, उसके अंदर हमारे असेसर्स ने क्या यूनिफॉर्म डाल रखी थी? नहीं, उन्होंने अब तक यूनिफॉर्म पहनी हुई नहीं थी। बट कॉन्फ्रेंस में देखो, वहाँ पे तो तुम्हारे पास पहले तुम सिर्फ और सिर्फ जीटीओ से मिलते हो जो विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं, उसके बाद तुम तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यूअर से मिलते हो जो भी विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं। साइक से तो तुम मिलते नहीं हो, साइकोलॉजिस्ट से मिलते नहीं हो, राइट? बट कॉन्फ्रेंस में अचानक से 10 to 12 ऑफिसर्स एक साथ बैठे होंगे और वो भी यूनिफॉर्म के साथ विद देयर स्टार्स, जो भी है उनके बैचेस लगाए, तो काइंड ऑफ एक ना घबराहट होती है, ज़रूर होती है। बट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम हमारे कॉन्फ्रेंस को कितने अच्छे से टैकल कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो मेक श्योर तुम वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस, है ना। जैसे आपको मालूम है जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो लास्ट डे होता है, राइट? तो देखो, जब ऐसा हुआ था कि जब मैंने एंटर मारा था रूम के अंदर, तो डर तो मुझे भी लगा था, देखते हो रहे वो इतने सारे ऑफिसर्स, तो एक स्टेप पीछे हुआ था। बट क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, मेरे को लगा था उस रूम में कुछ और चीज़ होने वाली है। बट देखा तो अचानक से वो सारे ऑफिसर्स थे बैठे हुए, तो मेरा एक स्टेप पीछे हुआ। बट मैंने खुद को संभाला और फिर उन्होंने सामने से एड्रेस किया कि प्लीज़ रिया हैव अ सीट। फिर मैं जाके बैठी, फिर मैंने उन्हें विश किया और फिर मैंने कामली बैठ चुकी थी। ठीक है, वहाँ पर ना देखो, तुम्हें सबसे फर्स्ट चीज़ क्या करनी, तुम जब भी रूम के अंदर एंटर कर रहे हो ना, तुम्हें एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, उसके साथ तुम्हें एक चीज़ करनी है, वो है एक तुम्हारे शक्ल पे ना एक स्माइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक स्माइल। ठीक है, ऐसे नहीं गिरते हुए जा रहे, ये नहीं होना चाहिए, एक जेंटल स्माइल रखो ताकि कि हाँ भाई आई एम प्रिपेयर्ड, मुझे पता है कि मैं इन सारे असेसर्स से, इन सारे ऑफिसर्स से मिलने वाला हूँ जो मुझे एक आध क्वेश्चन तो पूछेंगे। देखो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस सारे टास्क में अच्छा हुआ है तो शायद तुम्हें वो एक या दो ही क्वेश्चन पूछे, और तुम्हारे सारे परफॉर्मेंस खराब भी गए तब भी वो एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों? जिन्हें हमने सेलेक्ट करना है उनसे भी कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, जिन्हें हमने नहीं सेलेक्ट करना उनसे भी कम ही क्वेश्चन पूछते हैं। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ कुछ टास्क खराब हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे ग्रिल किया जाता है कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, वहाँ पे उन्हें जो भी परफॉर्मेंस या जो भी टास्क में उनकी क्वालिटीज में कमी लगी है ना, तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें मेक रेडी रहना है कि हाँ भाई मेरा ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे कौन से टास्क अच्छे नहीं हुए थे। ठीक है, ऑलरेडी जब तुम्हें एक दिन मिलता है फ्री, उस दिन तुम्हें सोच लेना है कि यार मेरे कौन से, एक बार एनालाइज कर लेना रात को सोने से पहले जब भी कि तुम्हारे कौन से टास्क तुम्हारे हिसाब से खराब गया, या जिस कौन से टास्क में तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाए, 100% नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ कोई ना कोई रीजन। ठीक है, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें रात को खुद को एक इंट्रोस्पेक्ट करना है वहाँ पे, ताकि अगर वो पूछेंगे कॉन्फ्रेंस में कि एक्स वाई जेड कैंडिडेट तुम्हें क्या लगता है कौन सा टास्क तुम्हारा खराब हुआ था और तुम उसे कैसे, किस वजह से हुआ था, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि ये टास्क खराब हुआ है ऐसे ऐसे। तो वो भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारे टास्क साइक को, जीटीओ को और इंटरव्यू को सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसको देना चाहते हो, ठीक है, और किसको लो मार्क्स क्यों देना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो तुम्हें वहाँ पे देनी है। ठीक है, तुम्हें स्माइल तो करना ही है। उसके बाद देखो, अब तुम्हारा जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है ना, उसके अंदर कभी कभी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा हो जाता है एक आध बार कि जिन क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मालूम नहीं है, अब तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चन को ना तुम्हारे दोस्तों से, या जो तुम्हारा कैफे होता है ना, कैंटीन वैंटीन में तुम्हें कंप्यूटर्स अवेलेबल होता है, नेटवेट हो जाएगा, तो वहाँ से तुम जाके उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेना जो क्वेश्चन तुम इंटरव्यू राउंड में नहीं दे पाए थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन तुम इंटरव्यू राउंड में नहीं क्लियर कर पाए थे उनके आंसर्स तुम्हें अभी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मालूम होने चाहिए। क्यों? अगर कॉन्फ्रेंस में बाय चांस यही क्वेश्चन वापस उछलता है तो तुम्हें उस क्वेश्चन को आराम से टैकल करने के लिए आना चाहिए। पता चला तुम इंटरव्यू को बोल के आए कि हाँ सर मैं इसका जो आंसर है मैं बाद में सर्च कर लूँगा या किसी से पूछ लूँगा, और कॉन्फ्रेंस में गया और तुमको मालूम ही नहीं है, राइट? फायदा क्या, उनको क्या लगेगा इररिस्पॉन्सिबल बंदा है, कमिटमेंट कर रहा है और फिर वो कमिटमेंट को नहीं निभा रहा है। ठीक है, तो देखो नर्वसनेस तो होती है, और तुम्हें ये नर्वसनेस को साइड भी रखना है एक टाइम के लिए। ठीक है, ऑफिसर्स है तो हाँ होगी थोड़ी सी घबराहट, यूनिफॉर्म है तो हाँ, बट मेक श्योर तुम वहाँ पर शोकेस नहीं कर रहे हो, तुम्हें बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखना खुद का। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज मतलब द वे यू वॉक, राइट? सो मेक श्योर ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो, ऐसे डरते डरते जा रहे हो रूम में, ठीक है, थोड़ा सा हाँ भाई हूँ मैं भी कुछ हूँ, मैंने कुछ तो किया है। जैसे भी तुम्हारे परफॉर्मेंस हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा या खराब है,
कॉन्फ्रेंस भी डिसाइड कर सकता है कि तुम्हें रिकमेंड करना है या नहीं करना है। तो मेक श्योर तुम कॉन्फ्रेंस को भी उतने ही सीरियसली लो जितने भी बाकी टास्क को तुमने सीरियसली लिया होगा। ठीक है, स्माइल अच्छे से रखो और मेक श्योर तुम यहाँ पे अपने माइंड को रेडी कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा ये टास्क अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हारे माइंड को रेडी रखना कि यार मुझसे इस चीज से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और चीज याद रखना कि जब भी तुम्हें लग रहा है कि जब भी क्वेश्चंस तुम्हारे ऊपर थ्रो किए जाएंगे ना, ट्राई करना तुम 5 से 6 सेकंड लो, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो और उसके बाद ही उनके आंसर्स देना वहां पे। ठीक है, हड़बड़ाहट में आंसर्स मत देना। अगर वो पूछते हैं कि तुम्हें कुछ सजेशंस देना है, अगर कुछ जेन्युइन सजेशन है तो ही दो, मैं बोलूंगी तो दो ही मत। ठीक है, बोलना कि जो भी था अच्छा था, हमें अच्छा लगा, ये लगा, बोले फालतू में जाकर सजेशन मत देना, सर ये खाना अच्छा नहीं था, सर वो पानी अच्छा नहीं था, ऐसी हरकतें नहीं करनी वहाँ पे। ठीक है, तुम कैंडिडेट हो तो कैंडिडेट की जैसी बिहेव करना, पता चला तुम खाने को नाम रख रहे हो, पानी पे नाम रख रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर तुम कोई फालतू सजेशन मत दो, दो ही मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका सजेशन दो, तो वो दोगे तो चलेगा, बट आलतू फालतू सजेशन मत देना। ठीक है, और वहाँ पे जाके किसी भी ऑफिसर से तुम क्वेश्चन मत पूछने चालू हो जाना। ठीक है, वैसे भी तुमसे ही क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना तो नर्वस मत होना, घबराना मत, ट्राई करना किस एकदम लॉजिकल वे में, कितने लॉजिकली मैं उस चीज़ का जो भी मुझे क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर प्रोवाइड कर सकता हूँ एट लास्ट। फिर थैंक यू बोल के, या जो भी तुम्हें परमिशन लेनी है तुम निकलने के लिए, तो तुम वो परमिशन लो और यू कैन लीव द कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा तो सारा टास्क वो कंप्लीट हो जाता है। होप यू लाइक द वीडियो गाइज़।